आमतौर पर हर कंट्री में ऐसा ही होता है कि रात होते ही सारी दुकानें बंद करके लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इराक में ऐसा नहीं होता है। सारी दुकानें तो बंद हो जाती है, लेकिन जो लोग सड़कों के किनारे किताबों की दुकान लगाते हैं, वो लोग अपनी किताब को सड़कों के किनारे यूं ही छोड़कर अपने घर चले जाते हैं और घर पर जाकर आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें सड़कों पर यूं ही पड़ी है तो क्या चोरी नहीं होती? तो इराक के लोगों का ये मानना है कि जो लोग समझदार होंगे वो फ्री की किताब पढ़कर फिर वापस रख देंगे और जो चोर होगा वो कभी किताब चोरी ही नहीं करेगा। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उस जगह होता तो रात में सारी किताबें चोरी कर सुबह उसे बेच देता।